हेलो गाइस, वेलकम टू मी एंड हाईवे। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ एक नई जगह जो कई रीज़न की वजह से फेमस है। आज मैं जहाँ आपको ले चल रहा हूँ वो जगह है बौद्ध ट्री। बौद्ध ट्री जो है वो इंडिया में काफ़ी जगह पे है, बट ये जो बौद्ध ट्री है ये कई रीज़न के साथ स्पेशल है। इवन ये स्पेशल सिर्फ लोगों के लिए नहीं, ये पूरे इंडिया के लिए स्पेशल है। इवन गवर्नमेंट इसके लिए काफ़ी कुछ करती है इसके रीजंस के चलते। तो फिलहाल ये जो है, ये जगह हम आए हैं अभी रंगई। अभी हम रंगई पहुँचे हैं। ये जो रंगई है ये मेरी सिटी से बाहर निकलने से पहले ही पड़ता है। ये जो आप देख रहे हैं ये साइड में मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है विदिशा का, तो यहाँ काफ़ी भीड़ आती है। और अब हम इससे आगे निकलेंगे तो ये जो है ये आ रहा है ब्रिज। ब्रिज के नीचे से जो है बेतवा नदी निकली हुई है। ये ब्रिज पे काफ़ी भीड़ मिलती है, लोग मीन्स लोग इवनिंग में आ जाते हैं, खड़े होके नदी वगैरह देखते हैं इसी के ऊपर से। अभी देख लेंगे हम। ये पहले छोटा था, ये फिर इसको दोबारा बनाया गया तो ये छोटा था पहले। ये आप देख रहे हैं ये भीड़, ये देखिए ये साइड में भीड़ है। ये रोज़ शाम को ऐसी भीड़ आपको इस पर देखने मिलती है। तो ये जो ब्रिज था ये इसके बगल में पहले जो था पुराना वाला ब्रिज है जो कि काफ़ी छोटा था। फिर वो इतना छोटा था कि वहाँ पे अक्सर ट्रैफिक हो जाता था, एक टाइम पे कोई एक ही ट्रक निकल सकता था। तो फिर ये दूसरा ब्रिज बनाया है उसी के बगल में, ये उससे दो गुना तीन गुना है, ठीक है। तो ये हम रंगई निकल चुके हैं और ऑलमोस्ट अब हम विदिशा के बाहर आ चुके हैं। और ये जो रास्ता है ये सीधा जाता है सांची से होते हुए सीधा जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पहुँचेगा। सांची यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो गाइज ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये विदिशा सिटी के आउटसाइड है, आउट का एरिया है। ये धीरे धीरे काफ़ी डेवलप होता जा रहा है। ये पहले यहाँ पे कुछ भी था, अब धीरे धीरे यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह खुलते जा रहे हैं। ये काफ़ी डेवलप होता जा रहा है ये एरिया। बौद्ध ट्री जो है, अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये जो है ये सांची से 5 किलोमीटर दूर, मतलब सांची और सलामतपुर के बीच में एक चट्टान के ऊपर है। वो जो एरिया है वो पूरा, मतलब कि उस चट्टान पे जाने तक भी सड़क बनाई गई है डायरेक्ट जाने के लिए। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं ये कोई अदर बौद्ध ट्री की तरह नॉर्मल ट्री होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में काफ़ी अनोखी बातें हैं और ये इतना स्पेशल है कि इसकी सिक्योरिटी में 4 पुलिस गार्ड लगे हुए हैं जो कि इसका ध्यान रखते हैं। तो अब भी तो आप समझ ही सकते हैं कि कुछ तो बात होगी ही इसमें जो कि इतना इसके लिए किया जा रहा है। और ये आप इसकी जब हिस्ट्री जानेंगे ना तब खुद ही समझ जाएंगे आखिर इतना क्यों किया जा रहा है, और वो हम वहीं पहुंच के बात करेंगे उसके बारे में। फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ 4 सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं, इवन
इसकी देखभाल के लिए साल के लाखों रुपए गवर्नमेंट की तरफ से इस पर खर्च किए जाते हैं इसकी देखभाल करने के लिए। जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। अभी हम जहाँ से निकले वो विदिशा था। विदिशा में मतलब विदिशा जो था वो सम्राट अशोक की पत्नी का जन्म स्थान था। मीन सम्राट अशोक की पत्नी जो थी वो विदिशा से थी। और अभी हम जो है आगे सांची आने में है। सांची आने वाला है, 1 किलोमीटर बचा होगा। तो सांची जो है, सांची भी काफ़ी, सांची में स्तूप है जो कि वर्ल्ड फेमस है, इवन फॉरेन से लोग आते हैं उसको देखने के लिए। मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है तो आप चैनल के उसमें जाके देख सकते हैं। मैंने उस पर भी पूरा वीडियो बनाया हुआ है। काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है वो भी विजिट करने के लिए। ये जो है ये हम सांची में एंटर कर रहे हैं, ये सांची के अंदर जाने का। और यहाँ से जब हम यही जो मेन हाईवे है ये सीधा जाते हैं और आगे से जब हम लेफ्ट लेंगे तो रास्ता जाता है स्तूप के ऊपर जाने के लिए। स्तूप के ऊपर जाने से पहले आपको नीचे ही टिकट लेना होता है, फिर आप ऊपर जाते हैं। और अगर हम यहाँ से लेफ्ट लेने पर स्तूप है और राइट लेने पर स्टेशन की ओर जाते हैं हम। अगर हम बात करें तो सांची स्तूप जो है वो काफ़ी फेमस है। यहाँ पे इवन मेला लगता है और मेले में फॉरेन से लोग आते हैं उस स्पेशली उसके लिए। और ये स्पेशल हो भी क्यों ना, इसके बारे में भी काफ़ी स्पेशल खास बातें हैं। तो गाइस सांची निकल चुका है और ये सांची से हम काफ़ी बाहर आ चुके हैं। यहाँ से देखा जाए तो बौद्ध ट्री जो है वो सिर्फ 4-5 किलोमीटर ही रह जाता है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये रास्ता भी काफ़ी आसान है। ये जो हाईवे है ये हम सीधा पकड़ के जाते हैं और आगे जाके आपको सबसे आगे जाके सिर्फ एक राइट टर्न लेना होगा और फिर वहाँ से मुश्किल से कुछ ही मीटर पे बौद्ध ट्री आ जाता है। वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है बौद्ध ट्री का और रास्ता गया हुआ है। उस रास्ते से आप अपनी व्हीकल के साथ ही ऊपर जा सकते हैं। तो गाइस हम पहुंच गए हैं बौद्ध ट्री पे, ये आपने बोर्ड देख ही लिया होगा। तो ये जो रास्ता देख रहे हैं ये ऊपर आने का रास्ता है, ये हम ऊपर आ गए हैं, ठीक है। और ये अब हम अगर बात करें बौद्ध ट्री की तो ये जो है ये रास्ता है, यहाँ से सामने आप देख रहे हैं वो बौद्ध ट्री है, ठीक है। उसको आसपास ये जालियों से उसको प्रोटेक्ट किया गया है। ये अंदर बौद्ध ट्री है और इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे 4 गार्ड होते हैं और लाखों रुपए जैसा कि मैं बताया इस पर खर्च होते हैं। अब रीज़न मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। अब हम बात करें इतना स्पेशल है तो वो इसलिए क्योंकि ये ट्री इंडिया को श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने गिफ्ट किया था। और बौद्ध धर्म गुरु चंद्र रतन कहते हैं कि
सम्राट अशोक की बेटी भारत से इसी पेड़ की एक शाखा श्रीलंका ले गई थी। इस पेड़ का इन जालियों के अंदर सुरक्षित रखा है और एक भी पत्ता सूखे तो प्रशासन जो है चौकन्ना हो जाता है। पूरा एरिया है, इसके ऊपर से आसपास के अच्छे व्यूज़ दिखते हैं। इस पहाड़ी के ऊपर से आसपास के सारे अच्छे व्यूज़ दिखते हैं और ये देखा। और इस पूरी पहाड़ी पे सिर्फ यही बौद्ध ट्री है। और देखा जाए तो टाइम टू टाइम इस बौद्ध ट्री की हेल्थ की भी जांच की जाती है और सालाना इसके ऊपर 12 से 15 लाख खर्च किए जाते हैं जिससे इसकी देखभाल की जाती है। तो इस प्रकार ये काफ़ी स्पेशल बौद्ध ट्री है जो अन्य जगहों से इसे अलग बनाता है, स्पेशल बनाता है, डिफरेंट बनाता है। तो हमारी वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए इस जगह को और कभी विजिट का प्लान बनाइए। काफ़ी प्यारी जगह है, इसके पास ही में सांची भी है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आऊँगा न्यू वीडियो के साथ न्यू जगह के लिए। थैंक यू।